वॉशर न्यूज में स्वागत है आपका, महेंद्र सरदार। एक गरीब का घर भरी बारिश में गिर गया है, अब वो बेघर हो गया है। अपने बेलपत्ता समाज को ये कहता है कि कोई भी घर गिर गया है, कोई भी पैसों की अगर मदद करेंगे तो अच्छा होगा, बेहतर। ऐसा अपने समाज को कहने से पहले सरकार को कहना चाहिए, वहाँ के संबंधित MLA को कहना चाहिए, उस जिले के DC को मनवी पत्र देना चाहिए, ताकि एक गरीब का घर अब बेघर हो गया है बारिश से गिरकर। आप ये घर में तो कैसे रहेंगे, आप तो यहाँ पर ना छत है ना कुछ भी नहीं है। ये तो अच्छा हुआ यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं हुआ, जान को बाल बराबर धोखा भी नहीं हो पाया। अब तो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, गरीब के लिए सोचना चाहिए, ताकि उस घर को कुछ ना कुछ अनुदान देना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी मदद नहीं करेंगे ऐसे गरीबों को आखिर जिएंगे कैसे। अब तो यह तो यही एक सवाल उठता है अपने ही समुदाय, अपने ही समाज के लोगों को, मियां और बीबी यानी कि पति और पत्नी दोनों मिलकर हाथ जोड़कर ये विनती कर रहे हैं, ताकि अपने व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर चुके हैं, ताकि इस व्हाट्सएप नंबर में अपना जो पैसों का अकाउंट नंबर भी इसमें दे चुके हैं, ताकि अगर कोई भी मददगार है तो मदद कर सकते हैं। ताकि अब इनका यही एक बड़ा मुसीबत ये है कि इनका घर गिर गया है, अब ये रहना खाना पीना इनका अब ये मुश्किल हो गया है, अब ये बेघर हो चुके हैं। देखेंगे एक रिपोर्ट में। ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಲ್ಪತ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಡವನಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಮನೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾಗಿ ಶೀತಲಾಗಿ ಮನೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆದ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಸಮಾಜದ ಬಂಧು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ।